हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे किया की तरफ से लॉन्च किए गए किया सेल्टोस का न्यू फेसलिफ्ट वेरिएंट के बारे में, जिसमें कि आपको मैं इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा इंटीरियर एक्सटीरियर सेफ्टी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसका फ्रंट कुछ ऐसा प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें कि आपको ग्लॉस ब्लैक ऑफर किया जाता है। इसमें आपको मैट ब्लैक कलर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसमें आपको ये क्यूबिक फॉग लैंप और पार्किंग सेंसर फ्रंट की तरफ, जिसमें कि आपको सिल्वर कलर में एक काफ़ी बड़ी स्किड प्लेट प्रोवाइड की जाती है। और ये न्यू आपको 3-स्ट्रिप हेडलैम्प्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जिसमें कि आपको फ्रंट की तरफ अपडेटेड ग्रिल और टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो, जिसमें कि आपको टाइगर नोच के साथ सिल्वर क्रोम का यूज़ देखने को मिल जाता है। ये आपको नॉर्मल हुड प्रोवाइड कर जाता है, जिसमें कि आपको बीच में एक एम्बोज्ड प्रोवाइड कर जाता है। और ये आपको नॉर्मल रफ प्लास्टिक के साथ, इसमें आपको ड्यूअल टोन अलॉय व्हील जो कि आपको R17 के साथ प्रोवाइड करे जाते हैं। ये आपको मैनुअल वाइपर और इसके साथ इसमें आपको काफ़ी कम क्रोम का यूज़ देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ भी हमें सेम प्रोफाइल के साथ टायर प्रोवाइड कर जाता है। ये आपको इधर फ्यूल लीड प्रोवाइड कराया गया है। डोर हैंडल पर क्रोम दिया जाता है। और टेल लाइट के बारे में बात करें तो हमें टोटली अपडेटेड टेल लाइट देखने जाती है, सेल्टोस की बैजिंग, और ये आपको रिफ्लेक्टर और ब्रेक लाइट प्रोवाइड करे जाते हैं। इधर आपको पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ, जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें आपको बीच में किया का लोगो और इधर उधर टेल लैंप्स कनेक्टेड देखने जाते हैं। डिफोगर वॉशर और हाई स्टॉप माउंट लैंप रेयर की तरफ प्रोवाइड कर जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको इसमें शार्क फिन एंटीना, जिसमें कि आपको इसमें IVT की बैजिंग भी प्रोवाइड करी जाती है। ये ऊपर आपको सनरूफ दिया जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है इस सेगमेंट में। आपको इसमें फ्रंट की तरफ डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं, और रियर की तरफ भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाले हैं, जो कि सिल्वर कैलिपर के साथ प्रोवाइड करे जाते हैं। अगर हम बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इंजन में हमें इसमें 1.5 लीटर का CRDI VGT इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आपको 14.93 cc का इंजन और 114.41 BHP की पावर, जो कि आपको 250 Nm टॉर्क के साथ 4 सिलेंडर इंजन के साथ। इसमें आपको CRDI फ्यूल सिस्टम और टर्बोचार्जर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टाइप के साथ 6-स्पीड गेयरबॉक्स प्रोवाइड करती है, जो कि आपको ये 2-व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ देखने को मिलने वाली है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में बात करें तो हम इसमें फ्यूल टाइप में डीजल, जिसमें कि आपको डीजल ARI माइलेज 19.1 km/L की प्रोवाइड की जाती है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो हम इसमें 50 लीटर का देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको BS 6.0 एमिशन नॉर्म के साथ प्रोवाइड करा जाता है। फ्रंट सस्पेंशन इसमें आपको MacPherson स्टड विद कॉइल स्प्रिंग के प्रोवाइड किए जाते हैं। और रियर सस्पेंशन इसमें आपको टॉर्जन विम एक्सेल व्हील विद कॉइल स्प्रिंग के साथ देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम इसके बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें काफ़ी बड़ा बूट स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको एक स्पेयर व्हील प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको 1 इंच छोटा देखने को मिलता है, यानी ये आपको R16 के साथ प्रोवाइड करा जाता है। इसी में आपको टूल किट भी प्रोवाइड करी जाती है। ये आपको देखने में काफ़ी बड़ा रहने वाला है, इसमें आप इजीली अपने लगेज को कैरी कर सकते हैं। अब इसके इंटीरियर के बारे में बात करें तो हम इसमें दरवाजे पर सबसे पहले ड्राइवर विंडो पर विंडो कंट्रोल्स, बोतल होल्डर और ये सेल्टोस की बैजिंग देखने मिल जाती है स्किड प्लेट पर। इसी के साथ हम इसमें सबसे पहले इंटीरियर में काफ़ी बड़ी डिस्प्ले, कनेक्टेड डिस्प्ले प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें कि आपको इसके लेफ्ट साइड पर अपने कम्युनिकेशन कंट्रोल और राइट साइड पर क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको ये सॉफ्ट टच और हार्ड टच के साथ प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको PNO ब्लैक कलर के फिनिशिंग और सिल्वर का मिक्सअप प्रोवाइड करा जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम फील प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें इसके इंटीरियर में जो बाकी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, ये आपको एक ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, सॉरी आर्म रेस्ट, जो कि आपको स्टोरेज के साथ प्रोवाइड किया जाता है। इंटीरियर में हमें इसमें टेक्नोमीटर देखने को मिल जाता है, लेदर स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप गियर शिफ्ट सेलेक्टर, ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, डिजिटल ओडोमीटर, और इसी के साथ इसमें आपको सेफ्टी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, नंबर ऑफ एयरबैग 6, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, साइड एयरबैग, फ्रंट साइड एयरबैग, रियर कर्टन एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स, सीट बेल्ट वार्निंग, डोरेजर वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एंटरटेनमेंट में आपको इसमें देखने को मिलने वाला स्पीकर फ्रंट एंड रेयर, जो कि इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो के साथ एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो प्ले के साथ प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको एडास के फीचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें कि आपको फॉरवर्ड कॉल्यूजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट कॉल्यूजन अवॉइडेंस, और इसके साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल,
लीडिंग व्हीकल डिपेचर अलर्ट जैसे फीचर्स में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।